right now. Ooh, bitch, take me like bombing. Heart gon' speed so god. Splash on my brain. Wanna get you down, John. Man, you had the top. When the leaf can on our dash. On your favorite space on my brain. I dash on your face. To your bed and never lose. Ship it that we're getting loose. See me now, no one can take you off. One time, baby, please take that off. Swerving on the beat, no need to get that car. Swerving on the beat, no need to get that car. I get that cash and I go hard. नमस्कार नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से सोना टेरेस गार्डन पे मैं सुनीता। आज मैं जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाली हूँ उसका विशेष रूप से थोड़ा बताने वाली हूँ आज, और वो है फर्टिलाइज़र, कंपोस्ट जो हम यूज करते हैं सॉइल में, कौन सा होममेड जो फर्टिलाइज़र यूज करते हैं उसे हम किस तरह यूज कर रहे हैं और वो कैसे बनता है, इसके बारे में आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। This the feeling that is not new. I wanna chill, I wanna go, wanna enjoy, I wanna watch anything with me and just you. 전화해 데릴 look I get. Hit me or keep 'em below it. Lift you up 어디든 간에 달려와 나한테 안겨서 보고 싶었다는 말 한마디면 녹아버리네. Like a snowflake, 꿈만 같아. 같이 있자. Once I swore, lucky to be with you. We will always pass through the blue. Wanna get you right now. Bitch, take me like bomb. और वो है जैसे हम सॉइल में मिलाते हैं, जो मैं अधिकतर आपको प्लांट्स ग्रो करने का टिप्स और जो भी बताती हूँ उसमें हम बताते हैं कि कौन सा, जैसे फ्लावर्स प्लांट्स में लीव्स और बूट्स वगैरह का जो कंपोस्ट है ज़्यादा मैं यूज करती हूँ, और वेजिटेबल्स में ज़्यादातर स्क्रैप्स, वेजिटेबल्स स्क्रैप्स का यूज करती हूँ। और उसका रीजन मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्यों कोई चीज़ जो कंपोस्ट है, कौन सा कंपोस्ट यूज करते हैं उसमें, कौन सा कितने देर में बनता है, कौन सा कंपोस्ट कितना टाइम लेता है, इससे लेते हुए इसको करते हुए बताते हैं। जैसे लीव्स है, लीव्स के कंपोस्ट बनाने के लिए कम से कम पहले ड्राइड लीव्स होनी चाहिए, और ये कम से कम 3-4 महीने लगता है कंपोस्ट बनने में, फर्टिलाइज़र बनने में। लीव्स सूखी होनी चाहिए, और लकड़ी भी सूखी है लकड़ी, तो इसको भी कंपोस्ट होने में कम से कम 4-5 महीने लग जाते हैं। अगर मोटी लकड़ी हो तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है, और पतला हो जो हल्की हो तो थोड़ा जल्दी बन जाता है। जल्दी क्या, 2-4 महीने तो कम से कम लग ही जाते हैं। इसलिए सबका अलग अलग कंपोस्ट बनाने का टाइम है, कंपोस्ट बनता है, और जो सॉइल में से ही साथ में मिलाने से ही बनता है, तो सॉइल में मिक्स करने का। इसलिए मैं जो भी, जैसे परमानेंट जो प्लांट है, ज़्यादातर परमानेंट प्लांट जैसे अमरूद, गुआवा, मैंगो, ये सब में ज़्यादातर ये लकड़ी लीव्स का ही कंपोस्ट ज़्यादा यूज करना चाहिए, और क्योंकि वो परमानेंट है, ज़्यादा दिन तक रहता है, और ये इसका टाइम लेता है भी है लकड़ी और लीव्स वगैरह, तो इसलिए इसमें कंपोस्ट के लिए ये सब लकड़ी और लिप्स सारे डालने चाहिए। और ये स्क्रैप्स, स्क्रैप्स के बारे में, ये कम से कम 15-20 दिन में आराम से कंपोस्ट बन जाता है कंपोस्ट। इसलिए इसे हम वेजिटेबल्स प्लांट्स जैसे गोभी, कॉलीफ्लावर जो सीजनल है, सीजनल फ्लावर्स में ज़्यादा यूज करते हैं, जैसे ब्रिंजल, कॉलीफ्लावर, कैबेज, जो भी हो सीजनल वेजिटेबल्स में ज़्यादातर हम ये वेजिटेबल्स स्क्रैप्स का यूज करते हैं।
ताकि ये जल्दी बन जाता है और ये टाइम नहीं लेता। इसे हम सीजनल के रूप में ही यूज करते हैं, इसलिए ये जो भी ये ज़्यादातर मैं जो बता रही हूँ डिस्कशन, ये जो पॉइंट भी बता दे रही हूँ, ये ज़्यादातर उन उन बिगिनर्स जो हैं फर्स्ट बार जो ट्राई कर रहे हैं वेजिटेबल्स प्लांट्स या कोई भी प्लांट्स लगाना चाहते हैं, उसे उन्हें जानना ये ज़रूरी है कि किस तरह हम कोई प्लांट्स लगाने के लिए कौन सा फर्टिलाइज़र हमें डालना चाहिए और कितने दिन में कंपोस्ट हो जाता है। ये है जैसे ये पेपर, ये कागज़ का जो भी है, ये भी कंपोस्ट हो जाता है, गल जाता है, ये कंपोस्ट हो जाता है। तो ये भी ज़्यादा आप जानते ही होगी, ये ग्रास से ही बनता है तो ये भी कंपोस्ट हो जाता है। पर प्लास्टिक ऐसा चीज़ है जो कंपोस्ट नहीं होता, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये ज़रूरी है जानना। इसलिए ज़्यादातर आप देखे होंगे जब भी मैं प्लांट्स ग्रो करती हूँ तो ये सब मेरे पास जो भी किचन में जो भी ये बेस्ट चीज़ है, या किचन में या घर में जो भी चीज़ है अवेलेबल होता है, उसे ही मैं सॉइल के साथ यूज करती हूँ ताकि वो फर्टिलाइज़र बन जाए, कंपोस्ट हो जाए। तो मैं आज आपको इसी के बारे में डिस्कस थोड़ा सा कर रही हूँ कि ताकि जो भी नए नए हैं उन्हें समझ में नहीं आता होगा कि फ्लावर्स में ये स्क्रैप्स क्यों नहीं डालते, और परमानेंट जो भी फ्लावर्स में नहीं डालते और वेजिटेबल्स में डालते हैं, इसलिए मैं आज ये बताने वाली थी। ओके फ्रेंड्स, अगर कुछ कमी लगा हुआ तो बताना ज़रूर कमेंट में, और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट शेयर ज़रूर करना। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।